The country has announced a record low number of births in 2022. People over the age of 65 are set to outnumber children by 2030. The need for benefits and assistance from Medicare and Social Security will grow. इंडिया हर दो मिनट में अपनी पॉपुलेशन में 100 बच्चे ऐड करती है। 1951 से 2011 तक इंडिया की पॉपुलेशन डबल हुई है। कुछ प्रेडिक्शंस का तो ये मानना था कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को 2045 में पीछे छोड़ देगी, बट दिस इंडिया डिड इन 2023 और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंडिया में जहां आज 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, ये 2064 में बढ़कर 1.7 बिलियन हो जाएंगे। दैट इज अराउंड 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये पुरानी डिबेट रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ विल इंडिया सर्वाइव। अगर हम अपने नेबर चाइना को देखें तो वहां पिछले 60 सालों में पहली बार पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। नाउ दैट शुड हैव बीन अ कॉज ऑफ रिलीफ फॉर देम, राइट? बट वहां उल्टा हो रहा है। जिस देश में एक टाइम ऐसा था जब एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन था, वहां आज एक से ज्यादा बच्चे होने पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट हाउसिंग एजुकेशन सस्ती कर रही है, टैक्स डिडक्शन दे रही है, एमिंग टू बूस्ट देयर पॉपुलेशन। इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया? डज इट मीन कि बड़ी पॉपुलेशन होना कुड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव साइड टू इट? क्या इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा वेपन बन सकती है जो किसी और देश के पास नहीं है? दोस्तों, ये बात सच है कि आज ओवर पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये भी सच है कि ये प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी अभी और आने वाले कई सालों तक कोई भी देश पैदा नहीं कर सकता है, और हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये थ्योरी कि ओवर पॉपुलेशन विल डिस्ट्रॉय द अर्थ केम फ्रॉम अ ब्रिटिश डेमोग्राफर थॉमस माल्थस इन 1797, जिनका ये मानना था कि हमारी अर्थ की कैपेसिटी लिमिटेड है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वॉर्स, डिजीजेस, फेमिन बढ़ती जाएगी एंड अवर अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड। 1797 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब 1 बिलियन थी और आज 8 बिलियन है एंड द वर्ल्ड हैज नॉट एंडेड। हाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं, फूड शॉर्टेजेस, वाटर शॉर्टेजेस जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पर साथ ही टेक्नोलॉजी भी उतनी तेजी से एडवांस हुई है जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे हैं, और इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन है। डेमोग्राफिक्स मैटर करते हैं, फ्यूअर बेबीज मीन्स फ्यूअर वर्कर्स टू पावर फैक्ट्रीज, बट दैट डज नॉट मीन कि पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन ही आ जाए। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इंडिया अचीव भी कर चुका है। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन विच कैन ड्राइव द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर द नेशन। इसको इकोनॉमिस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यहाँ 65% पॉपुलेशन वर्किंग है। 65% मतलब 900 मिलियन लोग who are eager to work, to innovate, to earn, to spend, to consume, which is why all big brands want a share of this pie. More working people also means more taxes for the government. India के comparison में बाकी बड़ी economies को देखेंगे तो they are aging and it is a ringing alarm bell in these nations. Analysts say China is facing a demographic time bomb and the numbers may be lower than reported. In the 1980s, 25 million babies were born every year. Last year, the figure was 12 million. Even if you believe this number, it's less than half of what it was. The Japanese Prime Minister said, she said Japan is disappearing because of its population crisis. बैक इन द 1980s सबको ये लग रहा था कि जापान यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को ओवरटेक करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, बट ऑल दैट फेल अपार्ट एज जापान्स पॉपुलेशन स्टार्टेड श्रिंकिंग। और अगर आप चाइना का राइज देखेंगे तो वो आज वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, और इसका बहुत बड़ा रीजन रहा है उसकी ह्यूज पॉपुलेशन। बट वो अब बदल रहा है। चाइना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एजिंग कंट्रीज। 2050 तक चाइना में 366 मिलियन एल्डर लोग होंगे, विच इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द यूएस। ये बीजिंग के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स में से एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मोर ओल्ड पीपल मींस मोर बर्डन ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज कंट्रीज हैव टू स्पेंड मनी टू टेक केयर ऑफ देम।
If we look at India, by 2030, जब ज्यादातर countries की workforce will be middle-aged or old, India will still be young. Its economy is already the fifth biggest economy and the fastest growing economy in the world. Reports suggest by the year 2050, India ki purchasing power US se 30% zyada hogi. Baaki developed countries se compare karenge, to India ka debt ratio better hai. गवर्नमेंट की पॉलिसीज की मदद से इंडिया ने आज एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है और एक बड़ा मिडिल क्लास एमर्ज हो रहा है जिसके अंदर ग्रोथ के लिए हंगर है. इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट और रैपिड डिजिटाइजेशन आर चेंजिंग द फेस ऑफ द नेशन. इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट कई बोल्ड रिफॉर्म्स लेकर आई है एंड दे हैव अ विजन फॉर द नेशन. जो इंडस्ट्रीज फ्यूचर होल्ड करती हैं, गवर्नमेंट उनका इकोसिस्टम इंडिया में बनाने पर पूरे जोर दे रही है. इंडिया ऑल्सो हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पूल ऑफ इंजीनियर्स जिनको अगर सही से यूज किया जाए और अपस्किल किया जाए तो दे कैन मार्क अ ग्रेट शिफ्ट इन इंडियाज ग्रोथ. पर अगर इंडिया को अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल फुली यूज करना है तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स हैज टू इंक्रीज, जो कि टाइम के साथ सिर्फ डिक्रीज हुआ है. इंडिया को नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है. आज इंडिया के सिलेक्टेड सिटीज हैं जो एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बन के उभर रहे हैं. इस रीजनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने की जरूरत है ताकि पूरे पैन इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो. दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन एक चैलेंज जरूर है, बट गवर्नमेंट के विजन और पॉलिसी से ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी बन सकता है और बिगेस्ट डिजास्टर भी. इस पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.